गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज लैब टेक्नीशियन के लिए 50 पोस्ट जो आपने देखा होगा स्क्रीन पे, सच में है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, क्या क्या करना है इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वेबसाइट पर हमने लिखा जिपमर, ठीक है, ये जिपमर खुल गया। अब जिपमर पे हम नीचे आएंगे, जिपमर देखिए लिखा हुआ jipmer.edu.in पे क्लिक करेंगे। इसको बाद क्लिक करने के बाद जिपमर खुल गया है। अब नीचे आते जाएंगे इस तरह से, ये देखिए नीचे आ रहे हैं। नीचे आते मान यहाँ देखिए जॉब्स लिखा हुआ है, जॉब पर क्लिक करेंगे। जॉब पर क्लिक किया और देखिए एक नंबर पे पोस्ट फॉर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन है, इसको आपको नहीं अप्लाई करना है, इसके लिए नहीं बताया गया है। तो हम लोग बात करते हैं जो लैब टेक्नीशियन की ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, छः नंबर पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट इन JIPMER पांडिचेरी, ठीक है, तीन तीन को रिलीज हुआ है ये। इसकी डिटेल जो है डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर पे है उसको देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट जो रिक्रूटमेंट पे है उसको देख सकते हैं। तो इसको हमने डाउनलोड कर रखा है क्लिक करके, तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड हमारे पास ऑलरेडी है। इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं, WPS ऑफिस खोल लेते हैं। ध्यान से देखिए, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पांडिचेरी में है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट फॉर JIPMER पांडिचेरी मार्च 2022। इसके कंटेंट डिटेल वगैरह दिए हैं, एडमिन सेल का स्टाफ वगैरह। आइए नीचे बढ़ते हैं हम लोग। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का ये कॉन्टेक्ट नंबर है, उससे बात कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। पोस्टल एड्रेस देख इसको ध्यान से देख लीजिए, डिप्यूटी डायरेक्टर एडमिन रिक्रूटमेंट सेल JIPMER एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इस एड्रेस को याद रखिएगा, या अभी आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कब करना है, 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन क्लोज 30 मार्च को क्लोज हो जाएगा 4:30 बजे। हॉल टिकट जब आपको मतलब वो आपको हॉल टिकट जो मिलेगा एग्ज़ाम के लिए वो 11 अप्रैल मंडे उससे मिलेगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड ओनली, एग्ज़ाम कब होगा देखिए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट ध्यान से देख लीजिए इसको, 17 अप्रैल संडे को 12:30 से 2 बजे तक होगा, ठीक है। नोट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द एडवर्टीजमेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योर दैट नो कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर नोटिफिकेशन ऑफ एनी एरर कमिटी ऑफ द एप्लीकेशन, रिफंड फीस विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द सरकमस्टेंसेस, आपको रिफंड जो कोई गलती कर देंगे तो फीस वापस नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं पोस्ट में कितना कितना है, देख लीजिए। तो हम लोग लैब टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे देखिए पोस्ट कोड है 12-20-22 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, टोटल 12 पोस्ट है, ठीक है। अनरिजर्व की 2 है, OBC की 2 है, SC की 1 है, ST की 7 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ह
हॉरिजेंटल रिजर्वेशन नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट द अबव पोस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट रिजर्वेशन में है जो विकलांग लोग होंगे उनके लिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, बैचलर डिग्री इन MLT मतलब मेडिकल लेबोरेटरी साइंस विथ 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। पे स्केल क्या है 35,400, छठा पे स्केल लगेगा इस पर, उसके बाद सातवां ग्रेड लगेगा, एज लिमिट 30 ईयर। कैसे अप्लाई करना इसके विषय में नीचे डिटेल दिया है, आइए देखते हैं। नीचे आ रहे हैं, इसमें जो देखिए चार ऑप्शन में वैकल्पिक क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो होंगे 70% के रहेंगे। जनरल एरिया लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल इंग्लिश एंड जनरल मैथमेटिक का 30% रहेगा। टोटल 100 नंबर का मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है, 90 मिनट का टाइम रहेगा, 1.5 घंटे का। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्किल टेस्ट कैसे क्वालिफाइंग नेचर है। 4 to 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड टू एवेल्युएट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट ऑन वेरियस प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट। आपको इंस्ट्रूमेंट वाला शायद कोई दिखाया जाए उस ऑनलाइन माध्यम से और उसके विषय में पूछा जाए। एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, और डिटेल्स जो इसमें नीचे दी गई हैं, फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए सबका अलग अलग छूट है, जो जिस लेवल में आता है कर सकता है। कैटेगरी के डिफिनेशन दिया गया है, OBC क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो गरीबी रेखा से ऊपर OBC हैं, गरीबी रेखा से नीचे OBC हैं, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से गरीब हैं, SC ST जो आपको मतलब तहसीलदार से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका, SC का की अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं तो उनका सर्टिफिकेट बनता है। डिसेबल जो लोग होते हैं CMO तरफ से उसका बनता है विकलांगता प्रमाण पत्र, उसको देख लीजिएगा। जो लोग विकलांग श्रेणी में आते हैं, विकलांग श्रेणी के लिए लैब टेक्नीशियन की एक पोस्ट है, कहीं अब विकलांग हो। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करना है, सब मेन टॉपिक। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है, 10 मार्च से अप्लाई करना शुरू करेंगे इसका, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई होगा ये, तो आज से ही आप लोग भर सकते हैं, आज 10 मार्च है आप लोग भर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पे कैसे कैसे भरना है इसमें लिंक पे क्लिक करिएगा, एक नेगेटिव लिंक अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट ग्रुप BC पोस्ट 22 मार्च 2022 पे क्लिक करिएगा। एडवर्टीजमेंट को पहले पूरी तरह से कायदे से पढ़ लीजिएगा। फ्लो चार्ट फॉर फिलिंग अप्लीकेशन ऑनलाइन गिवन अपेंडिक्स एनेक्स 7 इन द प्रोस्पेक्टस। कैंडिडेट शुड एक्वेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ विथ ऑल रिक्वायरमेंट विथ रिगार्ड टू फिलिंग द अप्लीकेशन। आपके पास जितने हाई स्कूल इंटर DMLT मतलब BSc MLT वगैरह जो भी आपके पास हो डिप्लोमा, वो सब तैयार रखिएगा PDF माध्यम से, ठीक है, तो उसके बाद सिग्नेचर और फोटो वगैरह इसमें ऑनलाइन लगाना है। अप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, OBC 1500 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, SC ST 1200 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज, इंस्ट्रक्शन द कट ऑफ डेट टू डिटरमाइन मैक्सिमम एज लिमिट एजेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वट एवर प्रिस्क्राइब शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑप्शनिंग द प्रिस्क्रिप्शन एजेंशियल क्वालिफिकेशन। इसको सब पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स कैसे कैसे भरनी है, ना समझ में आया तो आप हमें इसमें मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद हम दूसरा वीडियो बना के डालने वाले हैं कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है।
अपलोडिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और ब्लैक वाइट जो फोटो होती है वो नहीं चलेगी। द फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद द प्लेकार्ड वाइल द प्लेकार्ड इज बीइंग हेल्ड बाय द कैंडिडेट इंडिकेटिंग नेम ऑफ द कैंडिडेट। मतलब आपको उसके ऊपर जैसे देख रहे हैं नाम है, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है फोटो पर, उसी तरह आपको भी फोटो बनवाना है उसके बाद लगाना है। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइज उसकी लेंथ होता है 30 मिलीमीटर विद एंड 45 मिलीमीटर हाइट होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 80 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर जो है 80 मिलीमीटर विड्थ का होना चाहिए, 35 मिलीमीटर हाइट होना चाहिए। प्लेन पेपर पर साइन करिए, ब्लैक बॉल पेन से स्कैन कर लीजिए पेपर को, कट सिग्नेचर 80 मिलीमीटर विड्थ, 15 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर हाइट एंड सेव द कैंडिडेट सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में सेव कर देना है। 10 KB से ज़्यादा ना हो, मिनिमम 10 KB हो, मतलब 80 KB से ज़्यादा ना हो। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कैसे कैसे अपलोड करना है देख लीजिए। इसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, EWS वगैरह जो होते हैं SC ST का, और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट जो कहीं कर चुके हैं काम, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जहां आप काम कर रहे हैं उनसे NOC लेना है। बाकी पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, इसके लिए अगली वीडियो बनाने वाले हैं, तब तक देखते रहिए। बाकी कुछ नहीं, हॉल टिकट वगैरह डाउनलोड करना है अप्रैल में, पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। मार्क वगैरह कैसे मिलेगा, आपको टिक करना है गलत और याला नहीं करना है आपको मेथड। बाकी आप लोग जो लोग एग्ज़ाम दिए ही होंगे पहले, नहीं दिए होंगे तभी हम पेपर बना देते हैं एक वीडियो, उस पर आपको पता चल जाएगा कैसे एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।